मंगलहाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नरेंद्र सिंह 38 साल, कैलाश सिंह और निर्मला के फर्जंद हैं। वो पिछले 10 दिन से लापता हैं। अगर किसी को नजर आए तो फोन नंबर 9398707958 पर राब्ता करें। इस मौके पर नरेंद्र सिंह की वालिदा निर्मला ने मजीद तफसीलात भी बताई। चलेंदर सिंह क्या हुआ आपके भाई को? मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी 29 को, 29 तारीख को रात में तबीयत खराब हुई थी इनकी, तो उस्मानिया लेके गए थे। उस्मानिया लेके गए तो 2:30-3 बज रहे थे रात को। उस्मानिया में लेके गए तो एडमिट कर लिए थे। उस्मानिया में ग्लूकोज उनका ट्रीटमेंट हुआ उनका उस्मानिया में। उसके बाद क्या करे, सुबह डिस्चार्ज करके गांधी को जॉब बोल के लिख के दे दिए। गांधी को लेके गए वहाँ से, हमारे भाई को गांधी को लेके गए। वहाँ पुलिस वाले बाहर ठहरे थे, 3 कोटी को आओ बोले, 3 कोटी को जाओ हॉस्पिटल को बोले। 3 कोटी का ने ले आके बताया, उनको बताए तो वहाँ क्या करे, अंदर लेके गए ऑक्सीजन वो हैंड पे कुछ लगाए करे, तो देखने के बाद उनको क्या करे, गांधी को ले आओ बोले। नहीं, एम्बुलेंस को एम्बुलेंस बुला के गांधी को भिजा दिया। उसके बाद कॉन्टेक्ट करे, बात करे शाम में, गांधी में हूँ, मेरी तबीयत दम मार रही है, ऐसा बोले। उसके बाद फोन ही नहीं आया। उसके बाद हमारे श्याम भाई को फोन आया, गांधी को गए बात करे उन्होंने। हाँ, बात करे। क्या बात करे? ऐसा जान घबरा रही मेरे को, गांधी में रख लिए मैं बोला गांधी में क्या बोले तो जान घबरा रही मेरी बोल के भी बोले उन्होंने। बोलने के बाद बात हुई, फिर उसके बाद हमारे श्याम भाई बाजू कर रहे थे, उनको फोन आया गांधी से, फोन करे नो श्याम भाई फोन करे मालूम करने के वास्ते। हम क्या हुआ भाई, कहाँ है बच्चा, नहीं मालूम हो रहा बोल के श्याम भाई को बोले तो उन्होंने मालूम करे। आगे का श्याम भाई को मालूम। आप क्या हो ना, आप भाई हो ना हमारे भाई है। कौन है? नरेंद्र सिंह भाई है, ये भी भाई हो ना, बड़ा भाई हूँ। आप बोलिए कैसा कैसा हुआ? वही शाम में दर्द हुआ, सांस ऐसी हुई, 2:30 बजे उस्मानिया को ले गए वहाँ पर, ग्लूकोज चढ़ा करके सवेरे 11 बज गए, फोटी लिए थे उनकी, फिर उस्मानिया से गांधी को ले जाओ बोले 11 बजे, घर को ला ली मैंने, ला लेके जरा ठहर के 2:30-2 बजे गांधी को ले गए। गांधी को ले गए तो वहाँ से 3 कोट के जाओ बोले पुलिस वाले, 3 कोट में लेके गए, नाक को लगाए थे जरा वो सिलेंडर, उंगली को देख करके रखे, 6:30 बजे MLS में लेके गए। मैं प्रेसिडेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, मैं वही हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं गांधी को 0/0 को मिलाया था नंबर, इंक्वायरी में दो बोला, मैं इंक्वायरी में दो बोला तो इंक्वायरी में लोगों दिए, इंक्वायरी से मैं बोला कि ये आदमी नहीं यहाँ, नरेंद्र नाम है उनका, लापता है 2 दिन से, और 1 तारीख या 2 तारीख को फ़ोन करा था मैं उनको गांधी में, तो लोगों क्या बताया पूरा 1 घंटे में फ़ोन करो पर इंक्वायरी करते बोल के, पहले पूरे वार्डों में दिए उन्होंने, जी जो वार्ड है ना पूरा कॉल मिला है सबको, मिला के यहाँ नहीं है यहाँ नहीं आने बोल के बोले, फिर क्या बोले 1 घंटे का टाइम दे बोले, फिर 1 घंटे के बाद फ़ोन करा तो उन्होंने क्या बोले, उनको कोरोना नहीं आया, उनको अलग से रखे सोए नीचे और अच्छा है तबीयत, उसको फ़ोन चालू करता, फ़ोन बंद है बोला मैं उसका, तो फ़ोन चालू करो बोलता हूँ बोल के, तब बोले कुछ दिन का होगा किस्सा, फिर 2 दिन के बाद फिर मालूम करा मैं, मालूम करा तो उन्होंने क्या बोले कि कोरोना पेशेंट है यहाँ, पूरे कोरोना के पेशेंट नहीं है, पूरे को डिस्चार्ज कर दिया हम लोग नहीं है बोले। फिर एक कंसर्ट में डॉक्टर था मेरे को, वो डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने क्या बोले, मेरे नॉलेज में जितने, उन्होंने भी मालूम करके बोले, मेरे नॉलेज में जितने भी बगैर कोरोना के लोग आए वो लोगों को पूरे को उस्मानिया और घरों को भिजा दिए, कोरोना होएगा बोल के श्याम भाई, वो लोग नहीं है कोई भी यहाँ पर, सिर्फ कोरोना के पेशेंट है बोल के बोले लोग। गांधी में हूँ बोल के आपका भाई बात करा? नहीं, उन्होंने बात नहीं करे, बोल रहे ना उन्होंने बात करे, ये इन्हों बात, हाँ सुबह में मैं भी फ़ोन पे बात करा तो हाय बोल के बोले, थोड़ा सांस का प्रॉब्लम होता है। नरेंद्र सिंह से बात करा? हाँ बात करा मैं भी, मैं भी बात करा। क्या बोले गांधी में है बोल के? हाँ गांधी में है बोले उन्होंने फ़ोन में, मैं बोला डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, अच्छा आया था बोला, फिर 2 दिन के बाद उनका पता नहीं चला फ़ोन बंद हो गया, इन्होंने बोले फ़ोन बंद है बोले, इनके मम्मी बोले फ़ोन बंद हो गया बताओ, इन्होंने आगे पूछा तो मैं उनको गांधी को डायरेक्ट 0/0 को मिला के पूरा इंक्वायरी में दिए, लगा रिस्पांस तो दिए पूरा देने के बाद, ऑलरेडी है नीचे बोल के बोले नो, नीचे अलग से रखे उनको, उन्होंने कोरोना पेशेंट नहीं आया बोले, हाँ कोरोना पेशेंट नहीं आया, उनको दम थोड़ा चढ़ा था और अच्छे है अभी तो, उनका फ़ोन चालू करता हूँ करो बोल के बोलता हूँ बोल के गए उन्होंने, फिर 2 दिन के बाद ही फ़ोन बंद रहा, फिर 2 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन बंद नहीं बोलते, फिर फ़ोन करा तो कोई भी पेशेंट नहीं आया बोलते। अब यहाँ के अलावा कोई एड्रेस पर जाने के चांसेस है उनके? कहाँ पर? यहाँ पर कोई भी उनके दूसरे रिश्तेदार? नहीं, आइडिया नहीं इसके बारे में, क्या वो तो होना तो उन्होंने घरों को भिजा दिया उस्मानिया पर, तो उस्मानिया भिजा दिए पर, तो ये लोगों को इंक्वायरी में
इंक्वायरी में वो देखे इंक्वायरी में पूरा मेले साहब की देखे। आपको क्या कुछ शक है? मेरे को शक क्या बोलो तो यार सकता हो सकता हूँ उस्मानिया भी जा देना या तो डिस्कस करना दो मेरे उस्मानिया भी गए पूरा देख के पूरा चेक करके आ गए सर उस्मानिया क्वारंटी इरागड्डा पुलिस कंप्लेंट करे पुलिस सर एक इंस्पेक्टर जवान को भी चेक करे पूरे फाइला वाला पुलिस भी देखे ना देखे निया बोल के पूरे फाइलों में पूरा वाला चेक करे जो है ना बी एस वाले भी चले भेजा है सर उन्होंने दिनची चौराई में से नरेंद्र सिंह नाम के आदमी 10 दिन पहले उनको उस्मानिया लेके गए थे। 30 तारीख के दिन उस्मानिया लेके गए थे। उस्मानिया से बोले को किंगकोटी हॉस्पिटल लेके जाओ। किंगकोटी हॉस्पिटल से पुलिस वाले बोले नहीं गांधी को ले जाओ। ऐसा इधर उधर फिराने में बाद में गांधी में एडमिट हो गए। गांधी में एडमिट होने के बाद में पेशेंट बात भी करे इनसे फ़ोन पे बात करे बाद में यहाँ से जो नरेंद्र सिंह का आदमी है नरेंद्र सिंह नाम का आदमी है वो गायब हो गया उधर से। यहाँ कहा घर के पास नहीं आया। हॉस्पिटलों में चेक करे तो भी नहीं मिला। पुलिस कंप्लेंट भी दे के रखे लोग उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। ये गलती हॉस्पिटल वालों की है या पुलिस डिपार्टमेंट की है म्यूनसिपल वालों की है किसकी गलती है? एक आदमी मिस हो जा रहा 10 दिन से एड्रेस नहीं मिल रहा क्या है ये क्या हो रहा? अभी इनका स्टेटमेंट सुने आप 10 दिन पहले आदमी दम चढ़ रहा बोल के लेके गए उसके बाद में कोरोना टेस्ट भी हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी बोले कहते कोरोना पेशेंट ये नहीं होता। इनको सबको भिजा दिए बोले अगर आदमी का पता नहीं मिल रहा आदमी लापता है।